आपने क्या सोचा था कि मैं पत्नी के लिए, पत्नी पुलिस में हुई है तो मैं पुलिस गाड़ी में लिखवा रहा हूँ, एक दिन ऐसा ही ना हो जाए कि इस गाड़ी में जो लगा पुलिस वाला है, पुलिस का जो बैच है उसको हटाना पड़े, आपने सोचा था? नहीं सोचा था, नहीं सोचा था ना। देखिए साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह से SDM ज्योति मौर्य ने किया उसके बाद सारी महिलाएं इसी तरह से करने लगी? हाँ बिल्कुल, उसी राह पर चलने लगी, वही राह पे चल रही है। क्या कहेंगी माता जी? हाँ सर, वही राह पे, वही नकल, वही ढंग, सेम टू सेम। अच्छा, काजू बादाम, मूंगफली का दाना, चना, तोहर अनार, सेब, हर एक चीजों के खियावा। कभी बेटे को काजू बादाम अनार खिलाई थी? कभी नहीं साहब, कभी नहीं अपने बेटे को खिलाई, कभी बेटे को। लेकिन अब क्या लगता है कि अब इसको ज्यादा दिन तक ये स्टिकर लगा रहेगा पुलिस वाला? नहीं, अब नहीं लगा रहेगा, हटवा देंगे ना? बिल्कुल। देखिए साहब, इस पति का, देखिए इस पति की आंखों में आंसू, जूम करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ, और पत्नी का। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ राज रावत। साहब, सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे ना तो बीवी गंवाओगे भी, ये सच है और ये सच हमेशा रहेगा। अभी तक आपने देखा कि जिस तरह से ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ा SDM बनने के बाद, और फिर उसके बाद पति आलोक मौर्य दर दर भटक रहा है, ठोकर खा रहा है, यहाँ तक कि आलोक मौर्य के ऊपर मुकदमा भी दहेज का उन्होंने पंजीकृत करा दिया है। इसी तरह से प्रयागराज में एक और घटना घट गया है साहब। इस बार पत्नी SDM नहीं थी, इस बार पत्नी जो है वर्दीधारी थी, इस बार पत्नी जो है ना पुलिस में हो गई थी, और पति ने उसको कर्जा लेकर के, पति ने उसको कर्जा लेकर के पढ़ाया था, और फिर उसके बाद पुलिस बना जो है सिपाही बनाया था, वर्दीधारी बनाया था, उसको वर्दी पहनने लायक बनाया था। लेकिन आज इनके साथ भी सेम घटना घट गया जो घटना आलोक मौर्य के साथ घटा है। इस वक्त मैं प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में हूँ। ये कौन सा गांव है? जरार गांव। और क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार भारतीया ना जी। रविंद्र, पत्नी का नाम क्या है? रेशमा कुमारी। कब शादी हुई थी? 2016 में। अच्छा, क्या पत्नी शादी से जब नौकरी नहीं पाई थी तब उनका इस तरह का रवैया नहीं था? उसके बाद हुआ ऐसा? हाँ। अच्छा, क्या घटना है, आखिर कौन उसको प्रेरित किया कि पुलिस में नौकरी पा सकती हो, तुम पुलिस वाली बन सकती हो? कौन प्रेरित किया था? क्या आपने प्रेरित किया था? नहीं किए थे। कौन प्रेरित किया था? तब फार्म उसका कौन डलवाया था पुलिस में? उसका पहले से फार्म डाला हुआ था। हाँ। और 2018 में उसका भर्ती हुआ था। अच्छा। हाँ, सारा पैसा कौड़ी हमने लगाया। जब ट्रेनिंग में चली गई तो सारा पैसा कौड़ी अपने मायके देने लगी। हाँ। वहीं से हमारा उसका गलत व्यवहार चालू हो गया। अच्छा। हाँ, हमारा एक बच्चा भी उसने खराब कर दी। अच्छा, जो उसके पेट में बच्चा भी आ गया था? हाँ। अच्छा, 3 महीने का बच्चा था। हाँ। पैसे कारण बच्चा भी हमारा खराब कर दी। हाँ। कि बच्चा रहेगा तो हम घर पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा। बहन को नहीं पढ़ा पाएंगे, भाई को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ। हाँ। सोचिए, इस पति ने कहीं ना कहीं उस पत्नी को इस तरह से पढ़ाया, वो पुलिस उसको बना दिया, पुलिस के योग्य बना दिया, वर्दीधारी बनने का योग्य बना दिया। क्योंकि साहब, एक महिला पत्नी को पुलिस वाली बनाना, वर्दीधारी बनाना इतना आसान नहीं है साहब। इस पति ने कितना मेहनत करवाया था, कितना उस महिला को आज़ादी दिया था इस पति ने, लेकिन आज इस पति को ही किस तरह से वो चकमा दे रही है। क्या जब नौकरी पा गई तो क्या रवैया किस तरह का होने लगा था? बहुत बुरा बर्ताव करने लगी मेरे साथ। हाँ, हम उसके साथ रहते थे। हाँ। बर्तन धुलते थे, खाना बनाते थे, झाड़ू। हाँ। पोछा करते थे। अच्छा। साग सब्जी का पैसा देती थी। हाँ। वो उसमें से हिसाब लेती थी। हाँ। जो बचता था हम उसको दे देते थे। अच्छा, वो साग सब्जी का भी पैसा देती थी तो वो कहीं ना कहीं हिसाब मांगती थी। हाँ, एक एक रुपए का हमसे हिसाब लेती थी, हम उसको देते थे, लेकिन वो हमारे संग चल की। अच्छा। सारा पैसा उसका भाई निकाल लेता था, हमको चोरी का इल्जाम लगाती थी। हाँ, आप चोर हो। हाँ। मतलब आपको छोड़ना ही था उसको। हाँ,
बिल्कुल। फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए उस महिला का। ऐसे महिलाओं का फोटो देखना जरूरी है ताकि आप समझ सके कि बेटी को पढ़ाओ, बीबी को नहीं, क्योंकि बीबी पढ़ाओगे तो बीबी गंवाओगे भी। देखिए, दिखाइए फोटो, दिखाइए फोटो, जूम करके दिखाइए। यही है इनकी पत्नी जिन्होंने इनको कहीं का नहीं छोड़ा साहब, ना तो इनको घर का छोड़ा, ना इनको घाट का छोड़ा। इनके द्वारा जो लगाया गया पैसा है वो भी इन्होंने नहीं दिया, और पत्नी है इनकी, तो इन्होंने लगा दिया था, भरोसा करके लगाया था कि मेरी बीवी है, जाएगी तो कहाँ जाएगी, सफल हो जाएगी तो मैं ही तो राज करूँगा, मेरा भी तो कहीं ना कहीं जलवा रहेगा। और आपको एक बात और बता दे, जब पत्नी पुलिस वाली हो गई ना, तो इन्होंने अपनी गाड़ी में पुलिस भी लिखवा लिया। देखिए देखिए देखिए, आ जाइए, दिखा दीजिए, पुलिस भी लिखवा दिया था। देखिए, पुलिस भी लिखवा दिया था गाड़ी में। सोचिए क्यों लिखवाया था, अपनी पत्नी के लिए लिखवाया था, अपनी पत्नी के दम पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी, इनकी पत्नी के पास पावर थी, तो इन्होंने अपने अपनी पत्नी का पावर सोचा कि खुद का पावर है। आपने सोचा था बिल्कुल कि पत्नी पुलिस में हो गई, दिक्कत क्या है, लिखवा लेते हैं गाड़ी में, बिल्कुल ना, बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कि मैं पत्नी के लिए, पत्नी पुलिस में हुई है तो मैं पुलिस गाड़ी में लिखवा रहा हूँ, एक दिन ऐसा ही ना हो जाए कि इस गाड़ी में जो लगा पुलिस वाला है, पुलिस का जो बैच है, उसको हटाना पड़े। आपने सोचा था? नहीं सोचा था ना। देखिए साहब, अब हटवाना पड़ेगा ना। देख लीजिए, अब इनको पुलिस वाला जो उसमें लिखा है, पुलिस जो लिखा है, अब इनको हटवाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके जिसके दम से इन्होंने पुलिस लिखवाया था, वो तो अब इनको तलाक दे रही है साहब। अगर खुद पुलिस में होते तब तो दिक्कत नहीं होती, पत्नी पुलिस में हुई है, पत्नी के पास पावर है, तो पत्नी के दम पर ही इन्होंने जो है लिखवा लिया कि पुलिस वाले लिखवा लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, चाहे जहां चले जाएंगे बोलेंगे स्टाफ के हैं, दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जाते थे भी हाँ, दिक्कत नहीं होती थी ना, पुलिस वाला लिखा रहता, दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब क्या लगता है कि अब इसको ज्यादा दिन तक ये स्टिकर लगा रहेगा पुलिस वाला? नहीं, अब नहीं लगा रहेगा, हटवा देंगे ना। बिल्कुल। देखिए साहब, इस पति का, देखिए इस पति की आंखों में आंसू, जूम करके दिखाओ। और पत्नी का नाम क्या है? रेशमा जी। आप देखिए, बर्बाद कर दी है उसने, देखिए बर्बाद कर दी है आपने। जूम करके दिखाओ आंखों में आंसू, ये फेक आंसू नहीं है, ये असली आंसू है। देखिए असली आंसू है, देखिए इतनी प्यारी आंखें हैं साहब, कभी सोचा नहीं होगा इन्होंने कि मेरी इतनी प्यारी आंखों में इस तरह का आंसू हमारी पत्नी हिला देगी। ये माताजी हैं इनकी, माताजी फोटो लेकर के बैठी हुई हैं। और सोचिए, बहू जब पुलिस हो जाती है, तो सासू माँ को भी लगता है कि हमारी बहुरिया तो पुलिस हो गई है, अब दिक्कत नहीं है। क्या नाम है माताजी? रजवंती साहब। आपको भी लगा था कि अब मेरी बहू पुलिस में हो गई, अब दिक्कत नहीं है? हाँ साहब, सोचे कि, लेकिन आपने सोचा था कि बहू जब पुलिस में नौकरी पा जाएगी तो मेरे बेटे को ही नालायक साबित कर देगी? कभी हम नहीं सोचा, अपने दिमाग से नहीं सोची थी ना, कभी नहीं सोचा ना, हमारे संग गलत हुआ, गलत हो गया। सासू माँ भी रो रही है, देख लीजिए आंखों में ये जो आंसू है साहब, फर्जी आंसू नहीं है। और ये आंसू देख करके मेरा भी कहीं ना कहीं जो कलेजा है ये तड़प रहा है मेरा भी, कि आखिर एक महिला कैसे कर सकती है, इनके साथ हुआ है, लेकिन मैं रिपोर्टर हूँ साहब, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मेरे साथ भी कल को ऐसा हो सकता है, जब आज इनके साथ हो गया है तो कल को मेरे साथ भी हो सकता है, और मैं, मेरे अंदर भी दिल है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आखिर एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है। अच्छा ये बताइए, पुलिस जब बनती है तो पुलिस के लिए दौड़ भाग लगता है, उसके लिए खाना पीना अलग, रूटीन लगता है, क्या खिलाती थी उनको? साहब काजू बादाम, मूंगफली का दाना, चना, तोहर अनार, सेब, हर एक चीजों के खिलावा। कभी बेटे को काजू बादाम अनार खिलाई थी? कभी नहीं अपने बेटे को खिलाई, कभी बेटे को नहीं खिलाई ना। देख लीजिए, ये सासू माँ कभी अपने बेटे को अनार नहीं खिलाई, लेकिन अपनी बहू को इन्होंने अनार खिलाया ताकि वो बहू हमारी जो है काबिल हो पाए, पुलिस में नौकरी पा सके। तो अब
क्या कहना चाहेंगी? अब साहब हम यही कहना चाहत है कि हम सब ते अपन घर बर्बाद कर दिया रुपया से पैसा से कर्ज से ऋण से हम तो बन चुके हमारे साथ जोन बर्ताव किए हैं वो बर्ताव की सजा मिले चाहिए सजा मिलनी चाहिए। देख लीजिए दर्शकों गांव वाले भी काफी ज्यादा भीड़ लगाए हैं और मीडिया कर्मी भी इस वक्त मौजूद हैं। गांव वाले इधर दिखा दीजिए और इनसे पूछेंगे क्या सजा मिलनी चाहिए बीवी को इनके, ये सजा भी पूछ लेते हैं कि जिस तरह से इन्होंने इनके साथ उन्होंने किया है योगी जी से मुख्यमंत्री जी से इधर से लीजिए योगी जी से क्या गुहा लगाएंगे क्या ऐसी महिलाएं। अच्छा ये ताई क्या ईमानदार थी वो? ईमानदार बिल्कुल नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं है ईमानदार। ईमानदार नहीं थी? नहीं है। अच्छा ईमानदार नहीं है अब। तो मतलब ईमानदार नहीं है तो फिर ये पुलिस वालों में पुलिस की वर्दी कैसे पा गई ये फिर? वो मेरे कारण पा गई। तो ये तो कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी का ये गलत इस्तेमाल भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। हाँ हाँ तो जो पुलिस का वर्दी पा गई है तो आप ये सोचिए जो लोग आएंगे तो उनको कैसे न्याय दिलाएंगी? अगर ऐसे अगर खुद ईमानदार नहीं है तो कैसे न्याय दिलाएंगी? ये नहीं दिला पाएगी। नहीं दिला पाएंगी ना? नहीं दिला पाएगी। तो क्या कहेंगी? ऐसा मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार है आपका? मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है इसको जल्द से जल्द नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अच्छा हाँ हमारी आपको क्या लगता है जिस तरह से SDM ज्योति मौर्य ने किया उसके बाद सारी महिलाएं इसी तरह से करने लगी? हाँ बिल्कुल उसी राह पर चलने लगी। वही राह पे चल रही है। क्या कहेंगी माता जी? हाँ सर वही राह पे वही नकल वही ढंग सेम टू सेम। अच्छा कॉपी करने लगी? हाँ एकदम। कि वो जब SDM हो करके कर सकती है मैं तो पुलिस वाली हूँ ऐसा सोचकर? हाँ। अच्छा अच्छा जब वो नौकरी पा गई थी तो ट्रेनिंग में जब गए थे तो उन्होंने क्या किया क्या बोला था आपसे? वो खुद बोल रही थी कि अब हम पुलिस वाली हूँ। हाँ? हाँ, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा? ना कोर्ट ना कचहरी ना थाना ना अदालत कोई। ऐसा? हाँ हमसे बोली तुम जो करना है जो करना है वो कर लो हमारा तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हाँ जहाँ जाओगे सब मेरा सुनवाई होगा। मतलब आपको धमकी भी दे रही थी? धमकी भी दे रेरी मार मार के मैं रिकॉर्ड भी रखा हूँ। अच्छा रेरी मार के? हाँ। आपके पास आईडियो है? हमको धमकी दूसरे से दिलवाई है कि तुम गाजीपुर जाओगे तुम्हारा नस तोड़वा देंगे। अच्छा नस तोड़वाना मतलब ये क्या है? नस तोड़वा मतलब मरवा देंगे। अच्छा हाँ मरवा के फेंकवा देंगे। हमको हमारे साथ हो भी गया है। हाँ हो भी गया है मेरे साथ। आपके साथ हुआ भी है? क्या हुआ था मारपीट किए थे क्या? बिल्कुल धमकी कभी झपटी झपटा भी हुआ था क्या? उसने मेरे ऊपर हाथ भी उड़ा दी है। हाँ। हाथ भी उठा दी है। अच्छा हम कुछ नहीं बोले कि वर्दी है इसके ऊपर। हाँ। आपके ऊपर हाथ उठा दी है? हाँ उठा भी दी। देख लो साहब जब पति बेरोजगार होता है और पत्नी को रोजगार मिल जाता है तो किस तरह से पति पर जुल्म ढाने लगती है। क्या ये सही है? इस पति ने अपनी पत्नी को वर्दी धारी बनाया उसके काबिल बनाया लेकिन आज उस पत्नी ने इनको क्या दिया? आप डिसाइड करिए दर्शक। सही सरकार कहती है, सरकार हमारी खराब नहीं है कहीं ना कहीं, सरकार सही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे ना तो बीवी गंवाओगे भी। सही कहती है सरकार जी। अच्छा आप कोई अपनी बीवी को पढ़ाना चाहेगा? हम तो यही कहना चाहेंगे हाँ अपने बीवी को कभी पढ़ाओ मत। हाँ। ना तो कभी नौकरी लगवाओ। अच्छा और युवाओं से आप गुहा लगा रहे हैं? हाँ युवाओं से, उनको गलत फहमी हो जाए। खुद की बहन को तो जल्दी शादी कर दोगे, खुद की बहन को तो जल्दी हटा दोगे घर से, सोचोगे वो बोझ है, लेकिन जब दूसरी की बहन को लाओगे दूसरे की बहन बेटियों को लाओगे दूसरे की घर की लड़कियों को लाओगे तो उसको सोचोगे नहीं ये तो मेरी बीवी है कहाँ जाएगी। जब ऐसे सोच लेते हो ना तभी गलत तभी गच्चा खा जाते हैं ये लोग। जी ना जी। आप भी ऐसे सोचे थे? सही सोचे थे। खुद की बहन को, बहन कितनी है आपकी? हमारी दो बहन है। बहन को पढ़ाए थे? झूठ नहीं बोलना। एक को तो पढ़ाए थे, बड़ी वाली बहन को तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाए थे ना? देख लीजिए खुद की बहन को नहीं पढ़ाया था इन्होंने, बड़ी वाली बहन जो मेरे से बड़ी है। हाँ। उसको पढ़ाए थे हम। बिल्कुल हम भले नहीं पढ़े लेकिन अपनी बहन को पढ़ाया। क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। खुद की बहन को इन्होंने नहीं पढ़ाया, जल्दी से शादी कर दिया विवाह कर दिया, लेकिन दूसरे की घर की बेटी को बहन बेटी को पढ़ाया। फिर उसके बाद सोचिए नौकरी पा गई तो इस तरह से आज उन्हीं के आंखों में आंसू दे गई
जिनकी आंखें कहीं ना कभी कहीं ना कहीं सपने देखा करती थी कि हमारी बीवी जो है ऑफिसर बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, सोचते थे ना? हम सोचे थे तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव की उसने। हमारा कोई इज्जत नहीं की, कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं की। हम सबके सामने हमको धमकी मारी, ससुर बेइज्जत की, उसका बाप गाली दिया, उसका भाई। जब गए थे तो क्या बोल रही थी वो? तू यहाँ से भाग, तू किस लिए आया है? तू मेरा कोई नहीं है, हमारा पति मर गया है। अच्छा, पति मर गया है? पति के जीते जी? हाँ, वो महिला सिंदूर लगाती है या नहीं? सिंदूर लगाती है, सिंदूर लगाती है, नाव के लगाती है, बस ऐसे ही दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने, दिखावटी के लिए वहाँ पे। हाँ, हाँ। तो मतलब आपको, अब सीधी सी बात है, वो तलाक वो दे रही है कि आप दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, वही तलाक दे रही है ना? वही दे रही है। देख लो साहब, जब महिला, पति जब नौकरी पाता है तो सोचता है पत्नी को जन्नत की खुशियां दो, लेकिन जब पत्नी सफल हो जाती है ना तो सोचती है कि अब इसकी क्या जरूरत है, अब इसको, अब तो हमको कहीं ना कहीं ये मेरे लेवल का ही नहीं है, तो बेरोजगार ठहरा, हम हमारे पास तो नौकरी है। ऐसा ही घमंड महिलाओं के अंदर आ जाता है। लेकिन इस समय जब से एसडीएम वाला कांड आया ना, ये प्रयागराज में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसी महिलाएं करने लगी हैं। बिल्कुल ना, कर रही हैं। अब बहुत ज्यादा प्रभाव भी पड़ने लगा, बहुत प्रभाव पड़ने लगा है ना। तो ये है इनका, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार और इनकी पत्नी ने इनको अब पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि इनको छोड़ेंगे, क्योंकि वो नौकरी पा चुकी है और ये बेरोजगार है। और आपको बता दें, कर्ज लेकर के इन्होंने पत्नी को पढ़ाया था और आज ये सिला इनको मिला है कि रोना पड़ रहा है। और अब लोग क्या बोल रहे थे, बोल रहे हैं इस वक्त रिश्तेदारी के लोग? रिश्तेदार के लोग जो कुछ बोले। अच्छा, उस वक्त रिश्तेदार ये बोल रहे थे क्या कि आपकी पत्नी तो पुलिस में हो गई है? हाँ, रिश्तेदार उस समय खुशी थे, वो लोग भी सब सब खुशी, वाहवाही आपकी कर रहे थे, सब खुशी थे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? सब रो रहे हैं, अब सब लोग रो रहे हैं, दोस्त लोग भी रो रहे हैं ना सब। देखिए, अब दोस्त लोग भी रो रहे हैं। माता जी, लास्ट बार आपसे बात करेंगे, क्योंकि और भी मीडिया कर्मी साथी हैं हमारे। माता जी, इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए? बता रहे हैं कि ये ईमानदार भी नहीं है, तो इसका मतलब है लोगों को कैसे ये न्याय देंगी? पुलिस का, पुलिस की वर्दी वर्दी का नाजायज फायदा उठाएंगी ना। हाँ। माता जी, ऐसे लोगों को क्या पुलिस की नौकरी में ज्यादा दिन तक टिका रहना चाहिए या नौकरी से इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए? बिल्कुल सही साहब, बर्खास्त किया जाना चाहिए। बैठे हाँ, आके बैठे साहब, ने लिखा पढ़ी के साथ हमारे लड़का के भी धोखा कर सकत है, शरीर में आग लगा सकी, सिंदूर खा चुकी, फांसी लगा चुकी, हमारा लड़का बचा दूंगी, किसी से कहे नहीं। अच्छा, बचाता रहा, बचाता रहा, नौकरी भी दिला दिया। हाँ, सब कुछ छिपाते छिपाते चले। अच्छा, सास ससुर सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर रहे हैं ना। देख लीजिए, अब उनकी बेटी जब पुलिस में हो गई है तो बेरोजगार दामाद का क्या फायदा रहने का? सोचेंगे कि अब तो दूसरी शादी कर देंगे बेटी का, क्योंकि बेटी पुलिस वाली हो गई है। तो क्या लगता है, क्या ये शादी करेंगी दूसरी आपकी, ये पत्नी है, शादी कर लेंगी आपको तलाक देने के बाद? कर ले, वो करना चाहती है तो कर ले। कोई और उनको पसंद आ गया है? हो सकता है आ गया भी होगा। हाँ। हम तो देख नहीं रहे हैं। हाँ। क्योंकि लोगों से मिल रही हैं, उठ रही हैं, बोल रही हैं। हाँ, जब ऐसा कर रही है तो होगा भी। हाँ। होगा, हम देख नहीं रहे हैं ना, तो उसके पास हैं। तो हम यही कहेंगे, इनको, रविंद्र को न्याय मिलना चाहिए। और जिस तरह से इनकी पत्नी आज पुलिस की वर्दी पा गई, इनको धोखा दी, उस महिला का कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद ऐसी महिलाएं अगर भ्रष्ट पाई जाती हैं, घुसखोरी करती हुई पाई जाती हैं, अगर आय से ज़्यादा संपत्ति रखी हुई हैं जहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर भी जाँच किया जाना चाहिए, वहां पर भी रेड मारा जाना चाहिए। क्या वहां पर कैश तो नहीं मिल रहा है, ज्यादा कैश तो नहीं रखी है? अगर मिलता है तो इनको, सीधी सी बात है, सस्पेंड किया जाए, ताकि ऐसे लोग वर्दी का दुरुपयोग ना कर पाए, ताकि ऐसी महिलाएं, दूसरी महिलाएं अपने पति को छोड़ दे ना नौकरी करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।